नमस्कार दोस्तों, जी फॉर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक मैबिक ए टू लेके आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं एक मैबिक ए टू है जो कि कल क्रैश हुआ है। एक भाई साहब लेके आए हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं सामने वाला जो फ्रंट का एक लेग टूट गया है और गिम्बल दो टुकड़े में टूट गया था और इन्होंने फेवी क्विक लगा कि इसको फिक्स करने की कोशिश की है, जिससे कि और मामला बिगड़ गया है। तो आई होप आप ये कोशिश नहीं करेंगे कभी भी, गिम्बल में फेविक्विक आप नॉर्मली नहीं डालेंगे, इसको प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किया जाता है। फेविक्विक के साथ हम कार्बन फाइबर के पाउडर को यूज़ करते हैं गिम्बल को या किसी भी पार्ट को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। गिम्बल नहीं मूव कर रहा है और यहाँ पर मैं अभी डिस्प्ले में दिखाता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले में क्या आ रहा है। तो इससे पहले मैं रिमोट में मोबाइल को कनेक्ट कर लूँगा। रिमोट में मोबाइल कनेक्ट कर, ये रहा रिमोट, अब मैं अपना ही मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने मोबाइल अपना कनेक्ट कर दिया है। अभी देख सकते हैं वीडियो फीडिंग तो प्रॉपर आ रही है लेकिन ये गिम्बल वर्क नहीं कर रहा है, गिम्बल स्टेबल नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि गिम्बल बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी मोटर इसका वर्क नहीं कर रहा है और एरन में गिम्बल स्टक कर आ रहा है, और क्योंकि गिम्बल बिल्कुल वर्क नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर आप इसमें अपने हैंड से कोई फेविक्विक का यूज़ ना करेंगे। तो मैं पहले गिम्बल को खोल लेता हूँ। गिम्बल मैंने खोल लिया, ये देख सकते हैं इन्होंने जो फेविक्विक लगाया है अंदर तक आ गया है और सारा मोटर वोटर स्टॉक हो गया, जाम हो गया है। तो ये कोशिश ना करें, ये फाइनली ये फिक्स हो गया है, प्रॉपर वही गिम्बल वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपके पास भी इसी टाइप का कोई इशू है तो गिम्बल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिम्बल बहुत कॉस्टली आता है तो, और इसके अलग से कोई पार्ट्स नहीं आता। मैं इसको कार्बन फाइबर के पाउडर से जोड़ता हूँ और इसको थोड़ा सा बेल प्रोफेशनल तरीके से जोड़ना पड़ता है, खोल के पूरे आर्म को खोल के जोड़ना पड़ता है। तो ये वेस्ट हो गया, प्रॉपर हो गया, अब ये पहले की तरह ही वर्क करेगा। तो अगर आपका भी ड्रोन इस टाइप से क्रैश हो गया, गिम्बल टूट गया है, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद हम आपका जो गिम्बल है बिना रिप्लेस किए ही इसको सही कर सकते हैं और आप प्रॉपर कम ही पैसों में अपना गिम्बल रिपेयर करा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और अगर किसी को इस टाइप से कोई प्रॉब्लम है, गिम्बल टूट गया है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।